Okay, now we are going to see how to create operational ledger. Operational ledger, अगर मैं बात करूं, that is purchase account, sales account, repairs and maintenance, ये जो सारे expenses और income से related ledger होते हैं, उसे हम operational ledger कहते हैं. पिछले वीडियो में हमने सीखा how to create our past due master, that is debtors, creditors. अब अगर हम समझे तो operational ledger कैसे होते हैं और वो हमें कैसे create करना है. तो यहाँ पे हमने कुछ operational ledger के नाम list down कर रखे हैं, जैसे कि local sales, interstate sales. जैसे कि आप local sales या interstate sales आप अपने chart of accounts के हिसाब से आप create करते होंगे. एक्सपोर्ट सेल्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेल्स. तो ये जो सेल्स लेजर है, हर कंपनी, हर बिजनेस अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक क्रिएट करते हैं. अगर वो चाहें तो सिंपल एक सेल्स अकाउंट क्रिएट करके सारी एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं. उन्हें लोकल सेल्स, इंटरस्टेट सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेल्स, ये सारे अलग अलग तरीके से लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, बट अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से इसे क्रिएट करना, तो आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं. तो वही चीज़ हम समझेंगे कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सिमिलर वे ऑफ परचेस, लोकल हो गया, इंटरस्टेट हो गया, ये तो आपके परचेस दैट इज रिलेटेड टू स्टॉक आइटम हो गए. बिकॉज ये सारे के सारे जो है आपके लेजर ग्रुप्स, सेल्स एंड परचेस अकाउंट, ये सारे के सारे रिलेटेड है गुड्स परचेस एंड गुड्स सेल्स के. तो इस केस में क्या होता है, जो आपके डायरेक्ट सेल्स अकाउंट है, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो इंटरस्टेट हो, किसी भी तरह का हो, तो ऐसे केस में अगर आप गुड सेल करते हो तो डेफिनेटली उसमें सैक कोड यानी कि सर्विस अकाउंटिंग कोड या फिर उसका एचएसएन कोड एंटर करने की जरूरत आपको नहीं है. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो चीज़ हम अलग तरीके से कवर करेंगे. तो वो कैसे कॉन्फिगर करना है वो चीज़ें समझते हैं. तो ये तो आपके पार्ट हो गए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये गुड्स के पार्ट हो गए. अब बात करते हैं तो सर्विस रिलेटेड, जैसे कि आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की सर्विस किसी को ऑफर करते हो. जैसे कि आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हो, लैपटॉप, लेकिन लैपटॉप के साथ साथ आप किसी को रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की सर्विस देते हो, तो इस केस में आप गुड्स सेल नहीं कर रहे हो बल्कि आप रिपेयर्स की सर्विस दे रहे हो. तो उस केसेस में हर एक सर्विस का सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, उसका जीएसटी रेट होता है, वो कैसे मेंशन करना है. लीगल फीस, प्रोफेशनल चार्जेस एक्सपेंस हो गया, ऑडिट फीस हो गया, इस तरह से अलग अलग तरीके से. लीगल फीस में अगर आप देख सकते हो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यस किया हुआ है. तो ये लेजर कैसे क्रिएट करना है, ये सारे के सारे लेजर्स का एग्जांपल हम टैली प्राइम में क्रिएट करके देखते हैं. सबसे पहले शुरू करेंगे लोकल सेल्स. जिस तरह से आप लोकल सेल्स समझ रहे हो, ये चारों जो गुड्स के लेजर कॉन्फिगरेशन है, सिमिलर वे से ही आपको क्रिएट करने हैं. चाहे वो लोकल सेल्स हो गया या फिर लोकल परचेस, आपको कॉन्फिगर क्रिएट करते वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो चीजें आपको ध्यान रखनी है. तो चलिए टैली प्राइम में चलते हैं. ये है टैली प्राइम. हमें क्रिएट करना है लेजर, दैट इज ऑपरेशनल लेजर. सो फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट, सेलेक्ट लेजर, लोकल सेल्स. आप इसी को समझो, लोकल सेल्स के बदले इंटरस्टेट सेल्स भी आपका होगा, कोई इशू नहीं है. या फिर नॉर्मल सेल्स अकाउंट होगा तो आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो. लोकल सेल्स अकाउंट, ग्रुप अंडर सेल्स अकाउंट. तो ये ग्रुपिंग क्यों देते हैं, ग्रुपिंग हम लोग इसलिए देते हैं बिकॉज ये पर्टिकुलर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट यानी कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये ग्रुप्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल पार्ट्स होते हैं. सो दैट ये फिगर आपके पर्टिकुलर फाइनेंशियल के रिपोर्ट में हिट हो. जैसे सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट या फिर आप कह लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये जितने भी फिगर इसके अंदर रिकॉर्ड होंगे वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस में हिट होंगे. सेल्स अकाउंट, टाइप्स ऑफ लेजर, डिस्काउंट, इनवॉइसिंग, अगर वैसा लेजर है तो एंटर करना है, अगर नहीं, राउंडिंग वाला लेजर नहीं है, डिस्काउंट लेजर नहीं है, तो नॉर्मल इसको नॉट अप्लीकेबल. फिर आता है इज जीएसटी अप्लीकेबल. ऑब्वियस बात है जीएसटी अप्लीकेबल तो होगा ही होगा बिकॉज हम गुड्स सेल करने वाले हैं, गुड्स सेल करने वाले हैं, जीएसटी इनेबल करना है, परफेक्ट. बट मिस्टेक यहां पर होती है लोगों से, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल यानी कि जीएसटी रिलेटेड डिटेल को फिलअप करना.
यहां पर ऑप्शन अगर आप देखो तो यहां पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, नेचर, रेट, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। हो सकता है कि आपके प्रैक्टिस टैली में ये सारे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हो, आप F12 के कॉन्फ़िगरेशन में चेक कर सकते हो, सारे ऑप्शन अगर यस है तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। तो याद रखना है कि क्या ये डिटेल हमें यहाँ पे फिलअप करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो सिंपल आंसर है नहीं, हमें यहाँ पे डिटेल फिलअप नहीं करना है। क्यों नहीं फिलअप करना है, उसके पीछे रीजन ये है कि आपने जो ये लेजर देखा, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है सारा का सारा गुड्स। ऑब्वियस बात है, गुड्स यानी कि स्टॉक, ये आपका लेजर यूज होगा परचेस एंड सेल्स फॉर गुड्स के लिए। तो ऐसे केस में जो ये HSN कोड होगा वो क्या आपको सेल्स अकाउंट में डिफाइन करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। HSN कोड आपका स्टॉक आइटम के अंदर मेंशन रहेगा, उस प्रोडक्ट का रेट अलग रहेगा। तो यहाँ पे कभी भी आप लेजर क्रिएट करते हो दैट इज रिलेटेड टू स्टॉक से, चाहे वो सेल्स हो चाहे परचेस हो, आपको सेट ऑल्टर GST डिटेल हमेशा नो रखना है। एंड टाइप ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना है आपको गुड्स। सर्विस रहेगा तो यस करेंगे, लेकिन वो कैसे आएंगे अगले एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इतना समझ लो, आप चाहे लोकल सेल्स अकाउंट क्रिएट करो चाहे लोकल परचेस, इफ इट इज रिलेटेड टू परचेस ऑफ स्टॉक आइटम, सेल ऑफ स्टॉक आइटम, यानी कि दैट इज रिलेटेड टू गुड्स, आपको सेट ऑल्टर GST डिटेल में कुछ भी एंटर नहीं करना है। अगर आपने एंटर कर दिया तो मिस्टेक्स में प्रॉब्लम क्या होगी आपकी? अगर यहाँ पे मैं जाके एक रेट डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से 5%, और एक सेल्स की एंट्री रेज कर रहा हूँ लोकल सेल्स, तो उस सेल्स में मैं 5% का भी स्टॉक आइटम लेता हूँ, 12% का भी स्टॉक आइटम लूंगा, तो प्रॉब्लम क्या होगा? टैली जो है जो GST काउंट करेगा वो 5% से काउंट करेगा, जबकि 12% स्टॉक आइटम भी 12% से करना चाहिए, जो कि नहीं करेगा टैली। और लोग फिर कंफ्यूज होते हैं कि ये मेरा 12% GST काउंट क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। हम आगे एंट्री में मूव करें उससे पहले हम ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में समझ रहे हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमने छोटी छोटी मिस्टेक की तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें फिर ऐसा फील कराती है कि अरे टैली प्रॉपर नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। सो दिस आर द प्रॉब्लम्स दैट जनरल लेवल पे लोग फेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं नो करता हूँ। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, बैंकिंग डिटेल ऑब्वियस बात सेल्स के लिए नहीं होता है, ओपनिंग बैलेंसेस रेवेन्यू के लेजर के लिए कभी भी ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते हैं, ये आपने कर दिया सेव। उसी तरीके से आपको लोकल परचेस सेम, एकदम सेम परचेस अकाउंट सेलेक्ट करना है, गुड्स सेलेक्ट करना है, दैट्स इट, और ये लेजर आपका सेव। अगर आप कहते हो कि मैं ये एक्सपोर्ट सेल करता हूँ, एक्सपोर्ट सेल बोल लो या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेल कर लो, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई कहला। तो ऐसे केस में आपका ये होगा सेल्स। आप गुड्स के लिए डील कर रहे हो तो ऑब्वियस बात, अगर गुड्स के लिए एक्सपोर्ट गुड्स करते हो तो आपको यहाँ पे गुड्स ही सेलेक्ट करना है, खाली आपको नाम अलग रखना है, बाकी आपको कॉन्फ़िगरेशन सबके सेम है। मैंने बताया गुड्स के रिलेटेड आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन आपके सेम होंगे। तो ये तो बात कर ली हमने गुड्स की, सारे के सारे गुड्स के कॉन्फ़िगरेशन आपके सेम होंगे। अब बात आते हैं आपका, लेट से आपका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का आप इनकम के तौर पे कुछ बिजनेस करते हो, या फिर एक्सपेंसेस है, यानी कि आपका कुछ अदर इनकम है या फिर किसी तरह का कोई एक्सपेंसेस है जो कि गुड्स के रिलेटेड नहीं है बट GST चार्ज। जैसे आपने सॉफ्टवेयर परचेस किया, सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस, आपने कोई सॉफ्टवेयर सेल किया, आप सर्विस देते हो, रिपेयर्स एंड सर्विस का सर्विस देते हो, वो आपका इनकम हो गया। तो ऐसे केसेस में ये इनकम और एक्सपेंस के लेजर कैसे बनते हैं जो कि गुड्स के रिलेटेड नहीं है? अभी मैं एग्जांपल के तौर पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ही ले लूँ, आप चाहे इसे एक्सपेंस लो या इनकम लो, बिकॉज अगर आप सर्विस देते हो तो आपके लिए इनकम हो गया, अगर आपने किसी से सर्विस ली है तो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो मैं ये लेजर यहीं पे क्रिएट कर रहा हूँ, लेजर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। इफ इट इज इनकम तो मैं इसको इनकम ले सकता हूँ, अगर ये आपका इनकम है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अगर आपने सर्विस दी है तो आपके लिए इनकम है, अगर आपने किसी से सर्विस ली है तो एज ए एक्सपेंस हो गया। मान लो आपने सर्विस दी है तो मैं इसको एज ए इनकम के तौर पे ट्रीट कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट इनकम, GST अप्लीकेबल, यस। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेट ऑल्टर GST डिटेल, अब हमें इसे यहाँ पे यस करना है, हमें यहाँ पे डिटेल मेंशन करना, बिकॉज यहाँ पे कोई गुड्स तो नहीं होगा,
गुड्स तो नहीं होगा, तो ऑब्वियस बात है हमें सर्विस, हमारा जो अकाउंटिंग कोड है दैट इज सैक कोड है, हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। आपको इसका नेचर सर्विस का डिफाइन करना है। लेट्स से मैं सर्विस एंटर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का आप देख सकते हो यहाँ पे सर्विस अकाउंटिंग कोड होगा, ये है सर्विस अकाउंटिंग कोड। सर्विस अकाउंटिंग कोड जो होता है वो हर एक सर्विस के लिए डिफाइन है, वो 4 डिजिट का, दैट इज 8 डिजिट का कोड होता है। आप अकॉर्डिंग टू 9, 2 डिजिट, 4 डिजिट या फिर 8 डिजिट भी एंटर कर सकते हो बेस्ड ऑन योर टर्नओवर। इज नॉन जीएसटी गुड्स, नहीं जीएसटी अप्लीकेबल है, गुड्स तो है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की जो आप सर्विस देते हो, क्या वो ब्रांच के रिलेटेड है, क्या वो एक्सपोर्ट है, क्या वो इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट है, क्या वो सेल्स एग्जेम्प्ट है, क्या वो सेल्स टू कंज्यूमर है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? बिकॉज यही सर्विस आप किसी कंज्यूमर को भी दोगे, यही सर्विस किसी दूसरे स्टेट वाली पार्टी को भी दोगे, यही सर्विस आपकी लोकल पार्टी को भी दोगे। कहने का मतलब सेम लेजर, ऑब्वियस बात है मैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टी को डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए यूज करूंगा। तो ऐसे केसेस में अगर आपने ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पे एक 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 फिक्स कर दिया आपने यहाँ पे कि सेल्स टैक्सेबल, सेल्स टैक्सेबल का मतलब लोकल सेल्स और टैक्सेबल, यानी कि ये लेजर आप लोकली खाली सर्विस देते हो, लोकली सर्विस तो नहीं देना है आपने को। अगर आपका लोकल है तो आप एंटर कर लो, आपका यहाँ पे नेचर फिक्स है, लेकिन नेचर तो फिक्स है ही नहीं। यही सर्विस का इनकम आप अगर मान लो महाराष्ट्र में हो, आप महाराष्ट्र में दोगे, अगर आप कर्नाटका में सर्विस दे दो तो कर्नाटका में दोगे, तो ऐसे केस में वो सेल्स टैक्सेबल नहीं बल्कि वो इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल बन जाएगा। तो आप दो नेचर डिफाइन तो नहीं कर सकते, एक ही नेचर डिफाइन करना है। अगर आपने नेचर एक डिफाइन कर दिया तो क्या आप दो लेजर क्रिएट करोगे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लोकल, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंटरस्टेट? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता ही नहीं है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में आपके सर्विस के एक्सपेंस के रिलेटेड हो चाहे वो इनकम रिलेटेड हो, जो आपके सर्विस ऑपरेशनल लेजर है, यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमेशा नॉट अप्लीकेबल करना है। अगर मैं नॉट अप्लीकेबल कर दूंगा, टैली खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसका नेचर क्या है, वो अकॉर्डिंग टू द स्टेट, अकॉर्डिंग टू उसका जीएसटी नंबर एंड आपने जो डिटेल डिफाइन किया रहेगा एट द टाइम ऑफ पार्टी मास्टर, उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बाई डिफॉल्ट तौर पर सेलेक्ट हो जाता है। क्या ये टैक्सेबल सर्विस है या सप्लाई है? बिल्कुल टैक्सेबल, अगर नील रिलेटेड है तो नील, एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट, अननोन है तो अननोन, ऑब्वियस बात अननोन तो रखना नहीं है आपको, टैक्सेबल ही रखना है। इज रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल? अगर रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है तो यस रखना है, नहीं है तो आप नो भी रख सकते हो। आपका जे रेट ऑफ जीएसटी दैट इज 18%, अगर इस सर्विस पे 18% जीएसटी कैलकुलेट करते हो आप तो 18%, और ये हो गया आपका लेजर। यहाँ पे नेचर ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना है सर्विस, ये हो गया आपका सेव। सिमिलर अगर आप कुरियर चार्जेस एक्सपेंसेस पे करते हो, कुरियर चार्जेस एक्सपेंसेस, ये आ गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इज जीएसटी अप्लीकेबल? यस। यहाँ पे आपका ये आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देना है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड हमेशा याद रखना 9 से स्टार्ट होगा, नेचर हमें सेलेक्ट नहीं करना है, टैक्सेबल रेट अगर मान लो इसका जीएसटी रेट, इज रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल? नहीं। इन एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट? नहीं। ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको मास्टर कॉन्फिगरेशन दिखा रहा हूँ, हर एक मास्टर्स में सारे के सारे ऑप्शंस मैं यहीं पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आने वाले वीडियो में हम डेफिनेटली इसको कवर करेंगे। इन एलिजिबल मतलब इसका इनपुट हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो कि हमने आईटीसी वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसका रेट लेट से 12% सर्विस। इसी तरीके से आपके जितने भी एक्सपेंसेस के इनकम के लेजर है वो क्रिएट कर सकते हो, दैट इज अदर देन गुड्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपने कुरियर चार्जेस का लेजर क्रिएट किया, दैट इज लेजर में आपने जो कुरियर एक्सपेंस क्रिएट किया, इसका रेट डिफाइन किया आपने, दैट इज 12%। हो सकता है आगे चल के इस कुरियर चार्जेस का जो जीएसटी रेट है वो चेंज हो जाए, 18% हो सकता है। तो 18% रेट अगर चेंज हुआ, अगर किसी भी स्टॉक आइटम का या फिर किसी भी सेल्फ सर्विस का या फिर इनकम लेजर का जीएसटी रेट फ्यूचर में चेंज होता है, या उसका सर्विस अकाउंटिंग कोड चेंज होता है, या उसका एचएसएन कोड चेंज होता है, तो ऐसे केस में आपको ध्यान क्या रखना है, आप ऑल्टर में जाइए लेजर के या स्टॉक आइटम के, यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी रेट यस करिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बाय डिफॉल्ट 12% जीएसटी रेट है, लेकिन अगर इसका आप लेट से आगे की फ्यूचर डेट से इसका कोई रेट चेंज हुआ है तो यहाँ पे आप इसका रेट चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट
जैसे चेंज करोगे यहाँ पे इफेक्टिव दैट इज रिवाइज डेट कब से, ये रेट चेंज कब से हुआ उसका रिवाइज डेट दे दो। लेकिन होता है क्या है, जनरल प्रैक्टिस है कि हम जब एंट्री टैली में को रिकॉर्ड करते हैं या फिर हम यूज टू हो जाते हैं टैली में, तो हम एंटर की को बार बार प्रेस करते हो तो ये डेट जो होता है वो स्किप हो जाता है हमसे रिकॉर्ड करना। इससे प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमारी पिछली एंट्रीज जो रिकॉर्डेड रहेंगी पुराने रेट से वो हिट कर जाते हैं। इसीलिए कभी भी अगर रेट चेंज का रिक्वेस्ट आता है तो रेट चेंज आपको ऐसे नहीं करना है, आपको जाना है यहाँ पे, ये आपका रेट है करंट, आप यहाँ पे डिटेल में जाएं, आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो ये आपका करंट रेट है। आप यहां से अगर मान लो फर्स्ट ऑफ सितंबर से इसका रेट चेंज हो रहा है तो यहां से आप फर्स्ट ऑफ सितंबर का डेट लें। अगर ये सर्विस अकाउंटिंग कोड चेंज हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं। एंड यहाँ पे आपको रेट जो रिवाइज रेट है वो डिफाइन कर देना है आपको। तो इस तरीके से आप रिवाइज कभी भी रेट चेंज होता है तो यहाँ पे आप उसका रेट चेंज कर सकते हो। याद रखना मेन पेज से अगर आप चेंज करोगे तो आपसे मिस्टेक्स हो सकती है, क्योंकि ये डेट कितने जल्दी आता है और कितने जल्दी निकल जाता है हमें एंटर बटन दबाने की वजह से पता नहीं चलता है। सो ये हो गया अपना ऑपरेशनल लेजर क्रिएट। हमने दो चीजें देख ली, एक पार्टी मास्टर क्रिएट कैसे करना है परफेक्टली, जिसमें हमने पार्टी मास्टर्स के एड्रेसेस, उसका जीएसटी नंबर और बाकी डिटेल हमने अंडरस्टैंड की, समझी। और उसके बाद हमारा जो सर्विस दैट इज ऑपरेशनल लेजर होते, चाहे वो गुड्स के सेल्स रिलेटेड हो, चाहे परचेज रिलेटेड हो, आपके जो एक्सपेंसेस हो, चाहे प्रोफेशनल चार्जेस हो, चाहे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, किसी भी तरह का, जैसे आप मान लो आप रॉयल्टी फीस पे करते हो तो आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो आप लेजर क्रिएट करोगे रॉयल्टी फीस, रॉयल्टी फीस, प्रोफेशनल फीस, सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं या फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सी नेचर सबका सेम है, आपको खाली यहाँ पे जाना है, उसका सर्विस अकाउंटिंग कोड मेंशन करना है, मैं डमी एंटर कर रहा हूँ, नेचर आपको कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है, टैक्सेबिलिटी सेलेक्ट करना है, रिवर्स चार्ज और इनएलिजिबल कभी भी यस नहीं करें, बिकॉज इनएलिजिबल डेफिनेटली हो सकता है फ्यूचर में हो लेकिन अभी नहीं है तो इसे नो रखना। सेफर साइड के लिए आप इसे नो ही रखो, जहाँ पे श्योर शॉट कन्फर्म है कि ये रिवर्स चार्ज के अंदर ही आता है, इनएलिजिबल के अंदर ही आता है, तो इसे आप इनेबल कर सकते हो। जैसे कि फूड एक्सपेंस, आपको मालूम है अगर ये फूड एक्सपेंस है तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी मिलने वाला ही नहीं है। अगर आपको मालूम है कि ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इसका कभी इनपुट टैक्स मिलने वाला ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप श्योर हो कि इसका इनपुट नहीं मिलने वाला, तो आप इसे एज ए इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट कर सकते हो। बट अगर आप श्योर नहीं हो तो मेक इट नो, यानी आप रेट डिफाइन कर दिया, ये हो गया आपके जितने भी लेजर क्रिएट करने हैं क्रिएटेड हैं। सो ये फाइल डेफिनेटली आपको दी जाएगी, आप इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने भी लेजर हैं आप यहाँ पे ऑपरेशनल लेजर क्रिएट करके ट्राई करना है। सो ये हो गया आपका पार्टी मास्टर, दूसरा हो गया आपका ये ऑपरेशनल लेजर। अब मूव करेंगे हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट मास्टर, दैट इज स्टॉक रिलेटेड मास्टर्स। थैंक यू।